ग्लेन मैक्सवेल। जी हाँ दोस्तों, यह नाम क्रिकेट इतिहास में शायद बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा, क्योंकि जब भी आज के इनिंग की बात होगी और जब भी क्रिकेट के वर्ल्ड कप की बात होगी, तब इस इनिंग को बहुत शिद्दत से याद किया जाएगा। और यह इनिंग है ग्लेन मैक्सवेल की बिग सौ, जिसने आज डबल सेंचुरी बनाकर ऑस्ट्रेलिया की इज्जत रख ली, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस विश्व कप के सबसे दावेदारों में एक है। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया ने इतनी बुरी क्रिकेट खेली है जिसका कोई हद नहीं। पहले ऑस्ट्रेलिया के सामने अफगानिस्तान ने बल्लेबाजी करते हुए 291 रनों का एक अच्छा टारगेट खड़ा किया, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 7 विकेट मात्र 91 रन पर खो चुकी थी। लेकिन कप्तान पैट कमिंस ने ग्लेन मैक्सवेल के साथ मिलकर 200 रनों की पार्टनरशिप की, जो बहुत ही लाजवाब पार्टनरशिप थी। और इसमें ग्लेन मैक्सवेल ने मात्र 128 गेंदों में 201 रन की नाबाद पारी खेली, और यह एक ऐसी पारी थी जिसे देखकर पूरे क्रिकेट प्रेमी हैरान रह गए, क्योंकि क्रीज में ग्लेन मैक्सवेल दर्द के कारण कराह रहे थे और ग्लेन मैक्सवेल बार बार परेशानी में दिख रहे थे। पूरा क्रीज, पूरा स्टेडियम, पूरे दर्शक पूरी तरह से इस बात में शॉक्ड हो चुके थे कि ग्लेन मैक्सवेल आखिर तक मैच खेल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल ने जो पारी खेली इसे विश्व क्रिकेट में बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। खासकर ग्लेन मैक्सवेल की एक ऐसी पारी जिसमें वह पूरी तरह फिट नहीं थे और गर्मी के कारण, ह्यूमिडिटी के कारण पूरे मैदान में दर्शक परेशान थे, तो खिलाड़ियों का क्या हाल होगा, क्योंकि आज मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में जो इतिहास बना है वह इतिहास बहुत ही बड़ा है। और इस इतिहास को बनाने वाला कोई आम खिलाड़ी नहीं, बिग सौ है, जो ग्लेन मैक्सवेल 10 छक्के जड़े, जो बहुत ही गगनचुंबी छक्के थे। ग्लेन मैक्सवेल की इस पारी को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पारी का खिताब मिला, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल ने जो पारी खेली उसकी एक अलग ही सीमा थी। इस पारी को शायद कोई दूसरे बल्लेबाज बिल्कुल भी नहीं खेल सकते। ऑस्ट्रेलिया के तरफ से धाकर बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके। डेविड वार्नर मात्र 18 रन, ट्रेविस हेड 0 पे आउट हो गए, मार्स ने 26 रन की पारी खेली और लाबुशाने ने 14 रन की, जॉस इंग्लिस भी 0 में आउट होकर पवेलियन लौट गए, स्टोइनिस भी 6 रन बनाकर आउट हो गए और स्टार्क भी 3 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल एक तरफ खड़ा रहा और 128 गेंदों में 201 रन की एक ऐसी ताबड़तोड़ पारी खेली जिसमें 21 चौके और 10 छक्के थे। 157 रन की स्ट्राइक रेट थी ग्लेन मैक्सवेल की, जो बहुत ही काबिले तारीफ था। लेकिन उतनी तारीफ करनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस की। कमिंस ने 68 गेंदों में 12 रन बनाए, मात्र 12 रन, लेकिन कमिंस ने भरपूर साथ दिया ग्लेन मैक्सवेल का, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल अकेले कुछ नहीं कर पाते जब तक कमिंस उनके साथ खड़े नहीं होते। और ग्लेन मैक्सवेल ने यह साबित किया कि वह जब भी चलेंगे, सामने कोई भी टीम हो, कोई भी बॉलर हो, कोई भी यूनिट हो, सबको नेस्तो नाबूद कर देंगे, क्योंकि आज पूरी दुनिया ग्लेन मैक्सवेल की इस पारी को बहुत ही शिद्दत से याद कर रही है। क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल ने जो धमाकेदार पारी खेली, इसके वजह से उमर जाई की पारी फीकी रह गई, क्योंकि उमर जाई ने अफगानिस्तान के तरफ से पहला शतक बनाने वाला विश्व कप में पहला खिलाड़ी बना, लेकिन उसकी भी पारी कोई काम नहीं आई। यहाँ ग्लेन मैक्सवेल से ज्यादा गलती अफगानिस्तान टीम की है, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम ग्लेन मैक्सवेल को 3 मौके दे चुकी थी। ग्लेन मैक्सवेल का लास्ट कैच जो 33 रन पे छूटा था, तब से ग्लेन मैक्सवेल ने कोई गलती नहीं की, और उसके बाद जो बल्लेबाजी की, बस फील्डर देखते रह गए और फील्डर दर्शक बनके पूरे मैदान में घूमते रहे, और ग्लेन मैक्सवेल का जो शो चला उसमें पूरा अफगानिस्तान बह गया। लेकिन आज सबसे बड़ी जीत ग्लेन मैक्सवेल की हुई और पूरा क्रिकेट स्टेडियम ग्लेन मैक्सवेल के इस पारी का दाद देने से बिल्कुल भी पीछे नहीं रही, क्योंकि कमेंटेटर से लेकर हर क्रिकेट प्रेमी तक एक ही बात कह रहा था, यह मैच अफगानिस्तान जीत चुका है, बस फॉर्मेलिटी बची है। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने जो बल्लेबाजी की उसे देखकर दुनिया हैरान रह गई, और ग्लेन मैक्सवेल का यह पारी बहुत ही उम्दा था। अफगानिस्तान की तरफ से राशिद खान ने अच्छी गेंदबाजी की, 10 ओवर में 44 रन देकर 2 विकेट लिए, लेकिन बाकी बॉलरों ने बहुत ही महंगे रन दिए, जिसमें नबीरुन हक ने 9 ओवर में 47 रन देकर 2 विकेट लिए और उमर जाई ने 52 रन देकर 2 विकेट लिए। इसके अलावा नूर अहमद, मोहम्मद नबी और मुजीबुर रहमान बहुत महंगे साबित हुए, जिसके कारण आज अफगानिस्तान को और परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल अकेले अपने दम पे
हारी हुई बाजी को अपने तरफ पलट कर अफगानिस्तान को इस वर्ल्ड कप में बहुत पीछे कर दिया। लेकिन अफगानिस्तान वो टीम है जिसे अब हर टीम बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सम्मान के साथ लेगी, क्योंकि इससे पहले अफगानिस्तान ने ऐसी कोई क्रिकेट नहीं खेली थी जो दुनिया उसे नोटिस करे, और इस बार उसने बता दिया कि हम भी हैं और हम खेलेंगे और लड़ेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।